नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की 92 में। गजब हो गया दोस्तों, हम ऐसे ही नहीं त्रिकोणमिति से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज के एनटीपीसी एग्जाम में प्रश्नों की झड़ी लग गई। देखिए त्रिकोणमिति में कितने प्रश्न पूछे हैं और क्या सब पूछा है, जबरदस्त सॉल्यूशन आपको मिल रहा है दोस्तों, देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न पूछा देखिए कि 2 sin 3x - देखिए आज प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज्यादा है क्योंकि दोनों शिफ्ट साथ साथ कराने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा विलंब हो गया किसी कारण, बस हम कहीं फंस चुके थे, इसलिए आपको दोनों शिफ्ट का आज हम सॉल्यूशन 100% देने वाले हैं। तो देख लीजिए क्या मजेदार क्वेश्चन से पूछा है। वीडियो अच्छा लगेगा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, यह सब तो देखिए आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 sin 3x - 2 = 10, 240 दिया हुआ है। अब यहां देखिए 2 sin 3x - 2 इसको हम क्या कर लेंगे, 10 जो है इसको बदल सकते हैं। 10 कितना बताइए, 180 + 60। 10 180 प्लस थीटा हो जाता है सीधा 10 थीटा, यानी 10 हो जाएगा ये 60। 10 60 का वैल्यू हो जाता है √3 दोस्तों, कितना होता है √3। अब यहां देखिए लिख सकते हैं sin 3x - 2 बराबर √3/2, ये 2 चला गया उधर। अब यहां पर देखिए पकड़ने वाली बात ये है कि साइन में √3/2 कितना डिग्री होता है, तो ये हो गया आपका sin 3x - 2 = sin कितना, तो 60। यानी साइन साइन कैंसिल, तो 3x - 2 = 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3x - 2 नहीं दोस्तों, ये देख लीजिए 3 था, ठीक है। क्या था ये 3x - 3 था, 3x - 3 ले लीजिए, ठीक है। 3x - 3 ये 3 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 60 और प्लस 3 यानी हो जाएगा 63। 3x = 63, तो x बराबर हो जाएगा 21। ये है आपका आज के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए गजब कर दिया आज तो, एकदम पूछने के लिए एनटीपीसी ने समझिए तो गजब ही कर दिया है, एकदम मजा आ जाएगा इसे ऐसे प्रश्न पूछे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, एकदम देखिए प्रश्न है आपका sin θ = 5/13। तो कहता है ज्ञात करने के लिए आपको कि cos θ - tan θ, अब बाय हो जाएगा आपको 2 cot θ। ये प्रश्न पूछ दिया, देखिए देखिए गजब गजब कर दिया आज जो है एनटीपीसी एग्जाम में। देखिए पहला प्रश्न ये आपको sin θ = 5/13, आप जानते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है ये 90 डिग्री का, sin θ = हो जाता है आपको P/H, ये आपका P हो गया 5, H हो गया 13, तो ये निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 13² - 5² बराबर हो जाएगा 144 / 12। आपको cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, 12/13 माइनस लिया 10θ = हो जाता है लंब बट्टा आधार, यानी हो जाएगा 5/12। फिर आ जाइए नीचे 2, उसके बाद cot है 2 × cot θ = क्या हो जाता है आधार बट्टे लंब, यानी 12/5 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, 13 और 12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 13 × 130 और 13 × 26 यानी 156 हो जाएगा, हो कि नहीं, 13 × 130 और 13 × 26 156। अब यहां लीजिए 13 से कीजिएगा तो 12 × 12 = 144 माइनस 13 × 5 = 65 और नीचे आ जाइएगा आपको तो 12 × 24 = 5 हो जाएगा। अब इसको आप घटा लीजिए और उसके बाद ये इसको बट्टा को पलट लीजिए, गुना करके ले आइएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए आगे क्या मजेदार प्रश्न पूछा है, एकदम पूरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखिए गजब का आज प्रश्न पूछा है, एकदम बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा है और गजब का पूछा है, एकदम समझ लीजिए आज के एग्जाम में जिनका भी जिन्होंने अगर त्रिकोणमिति की तैयारी करके गया होगा तो 5-7 नंबर तो ऐसे ही आ जाना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए पूछा है cosec θ = 3x, देखिए cosec θ = 3x, ठीक है, और फिर पूछा है कि cot θ = 3/x, तो ज्ञात करना है 9 × x² - 1/x² का मान जो है सो कहता है क्या होगा। अब दोस्तों देखिए क्या प्रश्न पूछा है, ये बता रहा है कहीं 3 के स्क्वायर 9 और 3 के स्क्वायर 9, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को हमको घटाना पड़ेगा। अब आइए इसके स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा, ये cosec² θ माइनस कर देते हैं cot²θ, cosec² - cot² क्या होता है 1 होता है, फॉर्मूला ले लीजिए पहले, cosec² θ - cot² θ क्या होता है 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब आइए cosec की जगह पुट करते हैं इसका वैल्यू 3x² - cot की जगह पुट करते हैं 3y² = 1 कर लीजिए। अब आइए इसको बढ़ते जा रहे हैं 9x² - 9/x² = 1। अब यहां x² देखिए दोनों में 9 है, 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x² - 1/x²
स्क्वायर बराबर 1। अब इसी का तो वैल्यू आपको चाहिए था, इसी का वैल्यू चाहिए था, यानी इसका वैल्यू हमारा क्या आंसर आ जाता, 1 आ जाता। क्या आ जाता दोस्तों, 1 आ जाता। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न पूछे गए त्रिकोणमिति के। एक और प्रश्न क्या पूछा, देखिए गजब कर दिया। देखिए अगला प्रश्न पूछा है क्या, प्रश्न है ये कि देख लीजिए यहां हल करते हैं। पूछा है टेन थ्री थीटा, हमने जो बताया था दोस्तों दो दिन पहले हमने बताया था, देखिए टेन थ्री थीटा इंटू टेन टेन सिक्स थीटा इज इक्वल टू कहता है 1, तो टेन टेन थर्टी थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन तीस थीटा का मान ज्ञात करना है। अब लीजिए ना टेन थ्री थीटा, हमने बताया था आपको कि ये ऐसे अगर रहता तो आप कर लेंगे टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कॉट सिक्स थीटा। कैसे, ये थीटा यहाँ इंटू में इधर जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, और ये वन बाय टेन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट। अब ये तभी बराबर होता है जब दोनों का योग कितना हो, 90 डिग्री। ये थीटा देख लीजिए, तो थ्री थीटा और सिक्स थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 थीटा बराबर 90। तो थीटा बराबर कितना, 10। अब थीटा बराबर जब 10 आ ही गया तो यहां पुट कर देंगे, टेन कितना हो जाएगा 30 गुने 10, यानी 10 हो जाएगा 300। और 10 300 का मतलब क्या हो गया, सो बताइए 360 माइनस थीटा करेंगे, यहां पर ये लिख देंगे 10, यहां गौर से देख लीजिए 10 लिख सकते हैं 360 माइनस 60, तो 360 में 60 गया 300, 360 माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस 10 थीटा होता है, माइनस 1060, यानी माइनस रूट थ्री इसका आंसर आता, क्या आता, माइनस रूट थ्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक और पूछा है, एक है या दो है, देखिए और भी पूछा है, सबको आज जो है सो एकदम पोस्टमार्टम कर ही देना है। बढ़ेंगे उसके बाद जीके जीएस के प्रश्नों की ओर। अगला क्या प्रश्न पूछा, देखिए कॉस थीटा पूछ दिया, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। तो कहता है ज्ञात करने के लिए, आपको क्या ज्ञात करने के लिए कहता है कि कॉस सिक्स थीटा, कॉस सिक्स थीटा और प्लस सेक सिक्स थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब यहां देखिए यह ज्ञात करना है, यह दिया गया है आप कॉस थीटा प्लस लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर 2, ऐसा तो लिख सकते हैं, सेक को तो 1 बट्टा कॉस लिख सकते हैं। अच्छा देखिए कॉस कॉस का कितना में मान, देखिए इन दोनों को अगर हम 1 प्लस 1 ले लें तो 2 हो जाता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता, होता कि नहीं। अब प्लस याद लीजिए 1 बट्टा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा यहां पर 2 आ गया। अब आप इसको भी वैसे ही कर लीजिए, आप यहां पर क्या करेंगे सो बताइए, कॉस 6 है ये हो जाएगा आपका कितना, कॉस पावर 6 है, तो ये आ जाएगा आपको कॉस 6 रहेगा पावर 6 ही थीटा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या हो गया, सेक, तो सेक को क्या लिख देंगे 1 बट्टा फिर कॉस 6 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां भी आप इसको 0 डिग्री रखेंगे, यहां भी 0 डिग्री रख लीजिए, तो कॉस 0 का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो 1 का पावर 6 हो और प्लस 1 बट्टा 1 का पावर 6 हो, कुल मिलाकर 1 और 1 ये 2 ही आने वाला है आपका आंसर। क्या आने वाला दोस्तों, 2 ही आने वाला है। तो ये प्रश्न थे आज के। बढ़ते हैं अब हम आज के जीके जीएस के प्रश्नों की ओर, और दोनों जो है सो शिफ्ट का प्रश्न हम कराने वाले हैं टोटल। देखिए पहला प्रश्न है कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय थे। अब देखिए साइमन कमीशन का जो है क्या किया गया था, विरोध किया गया था। अब क्यों किया गया था आप ये समझ सकते हैं, विरोध इसलिए किया गया था कि इसमें कोई भारतीय नहीं था, कोई भारतीय नहीं था, पूरे अंग्रेज जो है समझ लीजिए कि अपने कुल मिलाकर वो अपने संगठन बना करके अपने सब मिल करके जिस जो भी हुआ नियम थोपना चाहा हमारे ऊपर, इसलिए जो है इसका जबरदस्त विरोध हुआ था, और ये जो है आपको 1927 में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देखिए क्या है कि जो चार मीनार किसने बनाया था, ये देखिए प्रश्न कितना मजेदार था, चार मीनार किसने बनाया था, ये किसने बनाया था चार मीनार, ये आपको बनाया था मोहम्मद जो है कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह बनाया था, कौन बनाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था चार मीनार। दोस्तों एक बात जान लीजिए 1591 ईस्वी में इसको बनाया गया था, कब बनाया गया था 1591 ईस्वी में, और ये कहां है, हैदराबाद में है, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद कहां है, तो तेलंगाना में है ना, तेलंगाना में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है कि 2019 में किस देश में आतंकी हमला हुआ था, किस देश में
देश में आतंकी हमला। अब ये बताइए कि किस देश में हुआ था, क्या आप नहीं जानते थे? बिल्कुल 2019 में हमारे भारत में ही हुआ था। भारत में भी कहां, तो जम्मू कश्मीर में हुआ था। नहीं, जम्मू कश्मीर में। कौन नहीं जानता है कि 14 फरवरी को जिस दिन हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं उसी दिन जो है सो हमारे देश के ऊपर क्या किया गया था, सीआरपीएफ के टुकड़ी पर हमला किया गया था। ठीक है, और हमला में हमारे 45 जवान शहीद भी हुए थे। कितने जवान? 45 जवान शहीद भी हुए थे। नहीं, तो इसे कौन नहीं जानता है? तो भारत पर ही हमला हुआ था। ठीक है, आतंकी हमला भारत में ही हुआ था। दोस्तों एक चीज और जान लीजिए कि भारत अब वो भारत नहीं रहा, देखते हैं ना, कि घर में घुस करके मात देने की क्षमता रख रहा है। अभी जैसे आपने देखा है कि किसको, ऑस्ट्रेलिया को घर में घुस करके हरा करके आया है। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पूछा है कि बलबन का कार्यकाल कब से कब तक था। देखिए, बलबन, गयासुद्दीन बलबन जिसको हम लोग कहते हैं, ये गयासुद्दीन बलबन, इसका कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? 1566 से कब से, सॉरी 15 से कहते हैं, 1266 से लेकर के कब से कब तक, ये 1286 तक का इनका कार्यकाल था। 12 से कितना, 66 से 86 तक। अब ये बलबन जो है दोस्तों, जानते हैं कि इनका बचपन का नाम कौन क्या था? बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता क्या? बलबन के बचपन का क्या नाम था और ये किस वंश से संबंधित था? ये आपको गुलाम वंश से संबंधित था। किससे? गुलाम वंश से, नहीं गुलाम वंश से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा है जरा देखिए। प्रश्न पूछा है कि पद्मावत को किसने लिखा था। अब देखिए, बात करते हैं जब पद्मावत की, पद्मावत के बारे में तो दुनिया जानती है, नहीं अब इसलिए जानती है कि इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि समझ लीजिए पद्मावत, नहीं पद्मावत को किसने लिखा है, तो ये जायसी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जायसी के द्वारा, नहीं मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है कि महात्मा गांधी जब चंपारण आए थे तो इनको किसने मदद किया था? चंपारण, बताइए मजेदार है कि नहीं? महात्मा गांधी पीछे छूटने वाले नहीं है, या महात्मा गांधी से अगर कोई चाहे कि पीछे हम छुड़ा ले, ये भी होने वाला बात नहीं है, मुमकिन है नहीं। ये प्रश्न देखिए, इतना महात्मा गांधी तो एकदम समझ लिए राष्ट्रपिता तो है ही, और पूरे के पूरे इस एनटीपीसी के बादशाह बने हुए हैं। चंपारण में कौन किया था? तो राजकुमार शुक्ल किया था। कौन? राजकुमार शुक्ल के ही बुलावे पर उन्होंने आया था, आए थे ये, शुक्ल के बुलावे पर ये आए थे, नहीं चंपारण में। एक शिफ्ट में पूछ दिया है कि कथकली, क्या पूछा है? कथकली, कथकली जो नृत्य है ये कहां का है, और एक में पूछा है घूमर, घूमर कहां का है। अब घूमर की बात करेंगे तो राजस्थान का है, कहां का है? राजस्थान। और कथकली की बात करेंगे तो ये केरल का है। देखिए ये दोनों पूछा है, दोनों शिफ्ट में अलग अलग में पूछा है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न पूछा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां। देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात अगर हम करते हैं, राजधानी तो दोस्तों ये पहले क्या था? रायपुर था, नहीं रायपुर। अब इसी को जो है सो क्या कर दिया गया है, बदल करके क्या अटल नगर कर दिया गया, नहीं अटल नगर, अभी क्या है? अटल नगर कर दिया गया है। अच्छा देखिए अगला प्रश्न पूछा है एक, देखिए प्रश्न पूछा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या महत्व है। साइंस से देखिए प्रश्न पूछ दिया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। अब जानते हैं आप, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस होता है, नहीं प्रकाश संश्लेषण, ये कितने चीज की जरूरत होती है इसमें, तो चार चीजों की जरूरत होती है। नंबर एक कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर दो जल, नंबर तीन सूर्य प्रकाश और नंबर चार क्लोरोफिल। ये चार चीजों की आवश्यकता होती है, इन चार में से अगर कोई भी एक अनुपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन बनता है उत्पाद के रूप में, जानते हैं ना, और ग्लूकोज बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न पूछा कि फीफा जो 2022 है वो कहां पर होने वाला है। देखिए फीफा वर्ल्ड कप जो है ये 2022 कहां पर होने वाला है दोस्तों। 2022 की जब हम बात करते हैं ये आपको कतर में होने वाला है, कहां पर? कतर में। ठीक है, अच्छा देखिए 2018 में चार साल पर होता है, तो 2018 में जो हुआ है इसके बारे में प्रश्न जान लीजिए क्या क्या पूछा जा सकता है। 2018 में जो हुआ है, ठीक है, ये कहां पर हुआ था? तो रूस में हुआ था। कहां पर हुआ था? रूस में। अच्छा इसे और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका जो चैंपियन कौन था वो आपको कौन था? फ्रांस था। फ्रांस अभी तक दो बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है, अब फ्रांस था जो चैंपियन, तो इसका रनर जो था वो क्रोशिया था।
का नहीं, क्रोएशिया, क्रोएशिया कौन था, क्रोएशिया जो मतलब इससे क्रोएशिया से फ्रांस जीता था। और तीसरे स्थान पर कौन रहा था, बेल्जियम रहा था, कौन, बेल्जियम, बेल्जियम तीसरे स्थान पर रहा था। तो ये था फीफा वर्ल्ड कप का पूरा हिस्ट्री। देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां होने वाला है, कतर में होने वाला है। और 2018 में कौन जीता था, फ्रांस जीता था, क्रोएशिया जो है सेकंड स्थान पर रहा था और तीसरे स्थान पर बेल्जियम रहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। गणित से प्रश्न पूछा है कि n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, बताइए तो क्या मारते हैं आपके, नहीं मारते, बिल्कुल n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है। तो जानते हो ना भाई n इंटू एन प्लस वन बट्टा टू होता है, गर्दा उड़ा देते ना आज। देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि यदि a b से 25% अधिक है, प्रश्न पूछा, देखिए a b से यदि 25% अधिक है ठीक है, तो कहता है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ठीक है कम है। अब बताइए भाई साहब कौन नहीं बनाते ये प्रश्न, आपने हमारा पिछले वाला भी वीडियो अगर देखा होगा, अगर आपने देखा होगा तो जरूर ऐसे प्रश्नों को आप चुटकी में मसल के आते। ए देखिए बी से 25% है, क्या मतलब बी यदि 100 है तो ए कितना है, 125 है, सीधी सीधी बात देख लीजिए, ए बी से 25% अधिक है, 125 हो गया। अब कहता है जो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ये बी ए से कितना प्रतिशत कम है, अब यहां देख लीजिए बी कितना कम है, तो 25 कम है, और किस से, ए से, तो बट्टा 125 अगुने कर लीजिए ना 100, 25 पांच 125, 5 बी से 120 प्रतिशत कम है, कितना कम है 20%। ये था प्रश्न आज का, मजा आने वाला प्रश्न सब था। देखिए प्रश्न पूछा, देखिए कि एक जो है क्या है, वृत्त है, ठीक है एक वृत्त है, इसका परिधि दिया हुआ, परिधि 44 है, परिधि कितना 44 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बताइए ना परिधि 44 है, परिधि मतलब क्या होता है, 2πr। अब 2πr मतलब 2×22/7×r बराबर हो गया कितना, ये 44। अब ये जब 22×44 खत्म, त्रिज्या हो जाएगा आपका 7, त्रिज्या 7 हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये 22×7×7×7 7 खत्म, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है ये आपका आंसर। देखिए अगला प्रश्न पूछा है एक कि कोई संख्या है, मतलब ये देखिए दिया गया है कि x बटा आपको दिया गया 5 बराबर y बटा दिया हुआ 6 बराबर जेड बट्टा दिया 11 बराबर के, ठीक है क्या दिया गया है, इतना बराबर के, तो कहता है आपको ज्ञात करने के लिए क्या कहता है, देख लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी ज्ञात करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टा करना है जेड, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ऐसे प्रश्न आपने हमको लगता है सैकड़ों बार बनाया होगा। यहां देख लीजिए कि एक्स बट्टा 5 बराबर जब के है तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा 5 के, वाई इजिकल टू वाई बट्टा 6 इजिकल टू जब के है तो वाई इजिकल टू 6 के, और जेड इजिकल टू हो जाएगा 11 के। अब तीनों को जोड़ लीजिए, यहां पर जोड़ना है तो यानी 5 के 6 के 11 के जोड़ी जाएगा 11, 6, 17, 5, 22 के, और नीचे आ जाएगा जेड मतलब 11 के कैंसिल हो गया, 11×2 22 यानी 2 आंसर आ गया आपका, कितना आ जाता, 2 आ जाता, आता कि नहीं आता। एक प्रश्न पूछा था कि 15 वर्ष में कोई धन दोगुना हो जाता था, दर ज्ञात करना है। अब दोगुना मतलब कितना गुना, दोगुना, अब ये साधारण ब्याज की प्रश्न है, और दो गुना मतलब हो गया 2-1 बटा क्या होता है n-1/n, यानी कितना हो जाता है n-1 बटा क्या हो जाता है दर, ठीक है ये आपको दर या समय जो भी रहेगा नीचे दे देना है, गुने 100 कर लेना है, ठीक है। तो दर है तो दर दे देंगे, समय है तो समय, इसमें समय है तो 15 कर लीजिए, तो 1/15×100 आप इसको काट दीजिए, 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 100, यानी 20/3 यानी हो जाएगा 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 2 ये इतना परसेंट, 6.2/3% हो जाता है। ये प्रश्न पूछा है, आइए बढ़ते जीके जीएस के और प्रश्न ले रहे हैं, क्या क्या प्रश्न पूछा है, ठीक है। देखिए एक प्रश्न पूछा था पुर्तगाली वाला, देखिए रिपीट हो गया है, पुर्तगाल जो आपको गोवा पर जो कब्जा किया था, गोवा पर, ठीक है ये कब किया था, 1510 में किया था, लेकिन छोड़ा कब, 1961 में छोड़ा है, कब छोड़ा, 1961 में छोड़ा, तो कुल मिलाकर 450 वर्ष जो है, 450 वर्ष इस पर वो राज किया था। प्रश्न इसी से पूछा था कि गोवा पर कब वह जो है सो कब्जा किया था, तो कब किया था, 1510 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सबसे बाद में गोवा को ही क्या किया है, छोड़ा गया है। एक प्रश्न था जीवों की कोशिका में बिना ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया क्या कहलाती है, बिना ऑक्सीजन, देखिए दो प्रकार के श्वसन होते हैं, एक वायवीय, एक होता है अवायवीय, अवायवीय एक मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, यानी अवायवीय आंसर हो जाता, क्या हो जाता, अवायवीय। एक प्रश्न पूछा था कि पहले, सबसे पहले गांव में जो है 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, अब 1937 की बात करेंगे दोस्तों, 1937 ये जो है कांग्रेस का
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसमें, इसकी हम जो अध्यक्ष थे वो आपको जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये दो बार अध्यक्षता किए थे, एक बार 1929 के लाहौर अधिवेशन और एक बार 1937 के अधिवेशन में किए थे। तो ये 1937 वाला जो अधिवेशन था ये कहां पर हुआ था, ये प्रश्न पूछ रहा, ये हुआ था दोस्तों फैजपुर, और फैजपुर कहां है, फैजपुर गांव में, ये पश्चिम बंगाल में है, कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है, ये फैजपुर में हुआ था, ठीक है, 1937 का ये अधिवेशन, जो सेकंड अधिवेशन इन्होंने किया था, कौन, जवाहरलाल नेहरू। एक प्रश्न पूछा, देखिए वंदे मातरम कहां से लिया गया है, ये वंदे मातरम की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये आनंद मठ से लिया गया है, कहां से लिया गया है, आनंद मठ, और आनंद मठ किसका लिखा हुआ है, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का, किनका, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इनका जो है लिखा हुआ आनंद मठ है, और इनसे इसी से जो लिया गया, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो ये सब चीजें भी आप ध्यान में रखें जो आगे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम वंदे मातरम कब गाया गया था, 1896 ईस्वी में गाया गया था, 1896 में, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये था, नहीं आगे भी है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथ से एक प्रश्न पूछा, देखिए कि यदि x प्लस वाई बराबर 15 दिया, x प्लस वाई बराबर आपको दिया हो 75 और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया हो आपको कितना 300, तो ज्ञात करें, सिंपल है दोस्त, देखिए एकदम, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई हो गया बराबर 300। अब यहाँ x माइनस x प्लस वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 75 इंटू x माइनस वाई बराबर हो गया 300, तो x माइनस वाई बराबर हो जाता 300, चार से काट दीजिए ना, चार बार में कट जाएगा। ये आपका प्रश्न पूछा था x माइनस वाई बराबर हुआ। अगला सवाल पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु, अब देखिए समबाहु मतलब आप जानते हैं कि जिसका तीनों भुजा बराबर हो, ए ए ए, इसका क्षेत्रफल अगर पूछेगा आपको, क्षेत्रफल तो क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता आंसर। देखिए अगला एक प्रश्न पूछा है, बहुत ही मजेदार सवाल से पूछ दिया आज पूछ दिया है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा है कि कोई मान लीजिए कि कोई वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या दी गई है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ, दो वृत्त है, एक दिया हुआ आपको एक और एक का दिया हुआ चार, मतलब कोई वृत्त है मान लीजिए कि R1/R2, इसको त्रिज्या ले लेते हैं, तो ये एक और 1/4 है, और क्षेत्रफल इसका कहेगा, तो क्षेत्रफल जब त्रिज्या का जब कहे ना दोस्तों, त्रिज्या हो या परिधि हो, याद रखिएगा त्रिज्या हो या परिधि हो, अगर उसका कहेगा आपको क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करें, और त्रिज्या या परिधि का अनुपात दिया हो क्षेत्रफल कहेगा, तो दोनों में वर्ग कर दीजिए, सीधी सीधी बात है, वर्ग कर दीजिए, 1^2, 4^2, 16, 1/16, यही आंसर हो जाता। और लेकिन जब दिया रहे, क्या जब आपको क्षेत्रफल दिया रहे, तो उसको आपको या परिधि ज्ञात करना हो या क्या ज्ञात करना हो, आपको त्रिज्या ज्ञात करना हो, सीधा उसका वर्गमूल निकाल देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला एक प्रश्न पूछा है कि कोई समचतुर्भुज है, ठीक है, कोई क्या है, समचतुर्भुज नहीं, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इस तरह कोई समांतर चतुर्भुज है, इसके चार कोण दिए गए, ठीक है, क्या दिए गए, चार कोण दिया गया, जिसमें एक दिया आपको 2, 4, 6, 8 करके दिया, 2x है ये, 4x है ये, आपको 6x है और ये 8x है, तो कहेगा इसके जो है सो एंगल ज्ञात करने, जो सबसे छोटी कोण ज्ञात करना, छोटी कोण क्या होगा, सिंपल सी बात है, कोई भी चतुर्भुज होगा उसके चारों कोणों का 360 डिग्री होगा, कौन नहीं जानता, बताइए 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20x बराबर कितना हो गया 360 डिग्री, काट लीजिए ना 20 खत्म, 2 हो गया 18, 36, 18, x बराबर 18 आ गया, आपको छोटा का था सबसे छोटा 2x है, 2×18 यानी 36 डिग्री कोण हो जाएगा, कितना 36 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये प्रश्न पूछा था, आगे बढ़ते देखिए अगला क्या प्रश्न पूछा, एक प्रश्न पूछा था कि 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, देखिए कितना हलवा, हम कहते हैं बार बार कि अभी जो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है वो हलवा वाला पूछ देता है, 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, कितना प्रतिशत जो है 40 होगा, 50 का जानते हो ना भाई, 50 का मान लीजिए ना, 50 का x प्रतिशत, प्रतिशत मतलब बट्टा 100 बराबर 40, अब लीजिए 50 दुनी 100 दो उधर चला गया, कितना हो जाएगा ये x प्रतिशत है, 50 दुनी 100 दो से उधर चला जाएगा, 40 दुनी 80% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 40 दुनी ये चला जाएगा उधर, तो 80% हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें क्या सोचने की बात थी। बढ़ते हैं देखिए आगे, क्या जीके का और प्रश्न कुछ लिया है क्या, हाँ बहुत सारा है, देखिए आज तो जो है सो छोड़ने वाला नहीं है। बढ़ते हैं आगे हम जीके की प्रश्न की ओर। हम तो अपना फर्ज जरूर निभा रहे हैं,
थोड़ा सा आप भी फर्ज निभाया कीजिए, थोड़ा सा शेयर किया कीजिए दोस्तों, शेयर करिएगा, थोड़ा सा हमें जो है सो हौसला बुलंद होगा, थोड़ा सा शेयर करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दिया कीजिए। प्रश्न पूछा, देखिए अक्टूबर 2020 तक वर्तमान संविधान की बात कर रहा है, संविधान में कितने अनुच्छेद थे। अब यहाँ देखिए ये थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है, मूल संविधान की बात करेंगे 395 अनुच्छेद था, इसमें ए बी सी डी करके बढ़ाया गया है, अभी बात करेंगे तो जो 448 अनुच्छेद हैं ठीक है, अब इसमें भी ए बी सी डी करके बढ़ाया गया है लेकिन इसको 448 माना गया है अभी, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 470 तक चला जाता है, 470 तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से आप बना पाते, 395 आपको ज्यादातर चांस बन रहा है, लेकिन 448 भी अगर ऑप्शन में है तो 448 आप मार सकते हैं। अच्छा एक बात करेंगे इसमें, जो संविधान में अनुसूचियां हैं वो कितनी है, तो 12 अनुसूची है, कितने 12 अनुसूची है, ठीक है। और अभी वर्तमान की अगर बात करेंगे तो 25 इसके जो है सो भाग हो चुके, कितने 25 भाग, पहले कितने थे 22 भाग था, वो बढ़ करके 25 भाग हो गया। और संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 104 संविधान संशोधन हो गया, 104 बार संविधान संशोधन हो चुका है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सभी इसमें आ गया है, ठीक है। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एक प्रश्न पूछा, साल और सागौन किस प्रकार के वृक्ष हैं। दोस्तों ये जानते हुएगा, ये आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, जो आर्द्र पर्णपाती वन होता है, ये होता है साल और सागौन, साल एंड सागौन, ठीक है, सागौन ये कौन क्या है, तो उष्णकटिबंधीय ये पर्णपाती वन, पर्णपाती जो है क्या है ये आपको, ठीक है, वन है। अब इसमें आगे देखिए क्या पूछा है, हाँ एक प्रश्न पूछा देखिए कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन के जरिए जो सबसे तेज इंटरनेट किस विधि से पहुंचाया जा सकता है, सबसे तेज, ठीक है, सबसे जो है तेज इंटरनेट, ठीक है, तेज इंटरनेट ये आपको हो जाएगा दोस्तों ADSL कहलाता है, ADSL का मतलब होता है एजेम्प्टिक, ठीक है, क्या होता है, एजीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, क्या होता है, एजीमेट्रिक, ठीक है, एजीमेट्रिक डिजिटल उसके बाद हो जाएगा आपका सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, इसके जरिए जो है ये जो ADSL है आपका, क्या है, ADSL जो है ये आपको, ये ऐसा चीज है, ऐसा जरिया है जिसे सबसे तेज जो है सो नेटवर्क पहुंचाया जा सकता है। क्या करें, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि नेटवर्क की वजह से दोस्तों बनाया हुआ, काफ़ी मेहनत किया हुआ, समय से पहले, यानी कि समझ लीजिए कि बहुत पहले बना लेते हैं लेकिन लोड करने में घंटों लग जाता है, कभी कभी समस्याएँ तो मेरे साथ भी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक प्रश्न है कि जो सागा 20 है, 20 सागा SAGA आपको सागा ये पूछा है, सागा 220 क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये आपको दोस्तों सुपर कंप्यूटर है, क्या है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये जो है ये 2011 में बना था और इसको जो है के राधा कृष्णन ने बनाया था, ठीक है, के राधा कृष्णन ने, सुपर कंप्यूटर है। अभी बात करेंगे तो परम जो है सो सबसे ज्यादा तेज और सुपर कंप्यूटर है इंडिया के लिए, ठीक है, न्यूएस्ट इंडिया के लिए जो क्या है सबसे तेज परम है ना। एक प्रश्न पूछा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है, नागपुर में, महाराष्ट्र में कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है कहाँ पर, ये महाराष्ट्र के नागपुर में है, ठीक है, कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न पूछा था कि सम्राट अकबर की जो मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा कौन की थी, चांद बीबी ने किया था दोस्तों, कौन किया था, चांद बीबी जो थी वो सिर्फ अहमदनगर ही नहीं, अहमदनगर के साथ साथ ये जो है बीजापुर की भी रक्षा की थी, ये दोनों को बचाया था इन्होंने, चांद बीबी ने, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। ये 1500 जो है सो 50 से 1599 तक इनका शासनकाल रहा था। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न पूछ दिया कि दो अभाज्य संख्याओं का अगर लॉस हो 119 हो, देखिए दो अभाज्य संख्या का जो LCM है वो 119 दिया है दोस्तों। 119 द्विगु संख्या गुणनफल होता है 17 और 7 का। अब इसका HCF कहता, अब 17 का पहरा पढ़ते हैं, 17 7 119 होता है, HCF कहता तो 17, और जब ये अभाज्य संख्या है तो HCF सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नो टेंशन, ठीक है, विदाउट टेंशन ये प्रश्न आपका हल हो सकता था। एक प्रश्न देखिए, किसी संख्या को, किसी कोई वस्तु बेचा जाता है 25% यदि लॉस पर बेचा जाता है तो 52,500 रुपया होता है। अब यहाँ सीधी
सीधी सीधी बात है 25% लॉस, ठीक है, लॉस पर बेचता है तो 52,500 हो जाता है। अब लॉस का मतलब आप जानते हो कितना बेच रहा, 75%। अब 75% का मतलब हो गया कितना, 3/4 पर यदि बेच रहा है ये तो 52,500 हो रहा, नहीं 52,500। इसको आप पूरा 100% कितना होगा, ये सीधी सीधी बात है, 100% के लिए आपको इसको गुना कर दीजिए 4 से और भाग दीजिए 3 से, तो ये उलट जाएगा, 3 से भाग दीजिएगा 3 से 17 51 15 00 17,500 70,000 रुपये, ये आपका आंसर आ जाता है। कितना था, 70,000 इसका आंसर होता, ठीक है, यानी 70,000 रुपये का खरीदा हुआ था और 25% लॉस पर बेचने के बाद 52,500 में बेचा जाता, ये प्रश्न पूछे गए। देखिए आगे एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि ए और बी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, मान लीजिए ए है, ए और बी किसी कार्य को 16 दिन में करता है, बी और सी इसी कार्य को 24 दिन में करता है, और ए बी सी तीनों मिलकर के, ए बी सी तीनों मिलकर के इसको, इस कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिनों में करता है। कहता है ए और सी कितने दिनों में करेगा, यानी बी को छांटना है भाई। देखिए अब यहां आप क्या करते हो, इसको पहले एलसीएम लेते हो ना, यानी 12 16 24 का एलसीएम शायद 48 हो जाना जी, 16 3 48 3 24 2 48 2 और 12 6 48 4 हो गया, बिल्कुल सही है। अब यहां देखिए कि दुनिया में वफा की उम्मीद किससे कर सकते हैं, कैमरा के साथ साथ लाइट भी कभी कभी धोखा दे जाता है, देखिए बीच में ही कट गया था। अब यहां देखिए दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जब ए, और यहां देखिए ठीक से, ए प्लस ए और बी और सी तीनों मिलकर के अगर 4 यूनिट कार्य करता है एक दिन में, और ए अब भी इसमें ए बी मिलकर अगर 3 यूनिट करता है तो सी का हिस्सा 1 यूनिट होगा ना, सी एक दिन का काम 1 यूनिट हो गया। अब यहां देखिए, अब ए का निकालना है, अब बी सी का बात अगर कर लेते, देखिए बी सी का 1 दिन का 2 यूनिट कार्य होता है, यहां बी सी का निकाल देंगे तो देखिए एबीसी तीनों मिलकर करता है 4 यूनिट, तो ए अकेला कितना करता होगा, ए अकेला करता होगा 1 दिन में 2 यूनिट कार्य, तो दोनों मिल जाएगा ए और सी 3 यूनिट कार्य करेगा 1 दिन में, और टोटल कार्य करने हैं आपको 48 कार्य करने हैं, तो ए प्लस सी जो हो जाएगा आपका 48, अब बट्टा ये दोनों मिलकर करेगा तो 3 यूनिट करेगा, 3 यानी 16 दिन में काम को खत्म कर देगा ए सी मिलकर के, ठीक है 16 डेज में। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा गया एनटीपीसी एग्जाम में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपके शेयर करने से हमें जरूर जो है सो समझ लीजिए कि हमारा हौसला बुलंद होगा, हमें साहस मिलेगा और हम आपके लिए जबरदस्त तरीके से सॉल्यूशन उपलब्ध कराते रहेंगे। आगे भी आपको सॉल्यूशन के साथ साथ हम आपको एक्स्ट्रा क्लास भी अब हम शेड्यूल बना रहे हैं, थोड़ा सा आपको देने वाले हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा शेयर जरूर करना दोस्तों, शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।